जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में बान टोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने खुफिया रिपोर्ट मिलने पर बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक में आतंकियों का समूह जम्मू कश्मीर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहा था। ट्रक को नाके पर रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी ट्रक में बैठे थे और वहीं से सुरक्षा बलों पर गोली चलाने लगे। जवाब में सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा डाला। इसके बाद आतंकवादी पास में जंगल की तरफ भागने लगे। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के किनारे नगरोटा में सेना के कैंप की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुठभेड़ के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिस ट्रक में आतंकी आए थे उसका नंबर जम्मू कश्मीर का है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 4 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। इस मुठभेड़ के बाद उधमपुर जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर के कटरा बेस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।